अशोक गहलोत चुनाव से ठीक पहले अपने बयानों और हरकतों के जरिए कोई भी ऐसा संदेश देने की कोशिश करते हैं जिससे उनके खेमे के कार्यकर्ताओं में चुनाव के दौरान भी सचिन पायलट और उनके गुट को लेकर नकारात्मक परसेप्शन बना रहे, तो इससे कांग्रेस की उम्मीदों को ही झटका लगेगा। एक तो कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर से निपटने की चुनौती है, उसके साथ ही कांग्रेस को राजस्थान की उस रिवायत से भी खतरा है जिसके तहत प्रदेश की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है। दिसंबर 1993 से दिसंबर 1998 तक वहां भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद नवंबर 1998 से अब तक जितनी बार भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ है, किसी भी पार्टी की सत्ता में लगातार वापसी नहीं हो पाई है। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का सिलसिला चल रहा है, उस परंपरा के तहत इस बार बीजेपी का नंबर है। हालांकि कांग्रेस इस रिवायत को तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है, उसी के तहत गहलोत और पायलट के बीच रस्साकसी पर विराम लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और जो रवैया दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो पायलट को लेकर अभी भी नाराज है। अगर ऐसा है तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि टिकट बंटवारे में सचिन की जगह पायलट के खेमे वाले लोगों को ज्यादा महत्व मिले। इसके लिए आने वाले दिनों में वो किसी तरह का राजनीतिक दाव चल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के मंसूबों के लिए सही नहीं होगा। ऐसे भी वसुंधरा राजे को एक बार फिर से आगे करने का संकेत देकर और अंदरूनी कलह का तोड़ निकालने के लिए संगठन में कई बदलाव कर बीजेपी राजस्थान में धीरे धीरे मजबूत होने की राह पर बढ़ रही है। यानी कहा जाए तो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के सपने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस सपने के चक्कर में वो अपने प्रतिद्वंदी को हराने में लगे रहेंगे और वो बीजेपी के नहीं कांग्रेस के सचिन पायलट है जो कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।